हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पुरानी शर्ट से एक बैग कैसे बना सकते हो। और देख सकते हो मैंने ये वाला बैग बनाया है पुरानी शर्ट से, और इसमें आप ढेरों कपड़े रख सकते हो बिना किसी खर्च के और बिना कोई मेहनत किए। सिर्फ 15 मिनट में ये बैग तैयार है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ले ली है फुल साइज़ की शर्ट, और ये पूरी फुल साइज़ की है और ये वेस्ट है। तो अगर आपके पास भी इतनी बड़ी है या फिर इससे छोटी हो तो भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगी, इसकी जो बाजू है ना, मैं उसको निकाल लूँगी। बाजुओं को दोनों साइड से कट करके बाजू निकाल लूँगी, क्योंकि बाजू जो है ना हमारे काम आने वाली है बाद में। तो इसीलिए मैं इसकी बाजू को ऐसे ही निकाल लूँगी। अब ये जो कॉलर है ना, यहाँ से एक मैं सीधी लाइन करके कट कर लूँगी, क्योंकि ये कॉलर ना वेस्ट है और ये क्योंकि फट चुके हैं इसीलिए इनका कोई यूज़ नहीं है। तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल लूँगी। अब जो शर्ट है ना, नीचे से गोल है, गुलाई में है, तो इसको भी मैं यहाँ से सीधा कर लूँगी। अगर आपकी भी शर्ट नीचे से गुलाई में हो तो सीधा कर लीजिए, अगर सीधी है तो ऐसे ही रहने दीजिए, फिर उसको काटना मत। तो यहाँ से मैंने अभी इसको ऐसे सीधी करके काट ली है। अब हमें एक स्क्वायर में ये शर्ट मिल गई है। नाप है ना वो 22x22 है, मतलब दोनों साइड से ये बराबर है। तो अगर आपकी छोटी बड़ी है तो कोई बात नहीं। तो बस अब आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से फोल्ड कर लीजिए बराबर करके कहीं भी हैं। अब इस साइड से आपको दो बॉक्स बनाने हैं, दोनों साइड से आपको दो बॉक्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं 5x5 के बॉक्स बना रही हूँ। अगर आपकी इससे बड़ी शर्ट है तो आप 6x6 की भी बना सकते हो, अगर इससे छोटा साइज़ है तो आप 4x4 के भी बना सकते हो। अगर बच्चों की शर्ट का बना रहे हो आप, तो आप 3x3 का भी बना सकते हो। तो मतलब आप साइज़ के हिसाब से देख लेना कि कितने बाई कितने का आपको बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 5x5 का बॉक्स बना लिया है। अब मैं दोनों साइड से इन बॉक्स को कटिंग कर दूँगी, और कटिंग करने के बाद बस इसको निकाल दूँगी पीस को। तो जब तक मैं ये कटिंग कर रही हूँ, तब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे मैंने बस एक साइड से कट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से कटिंग करने के बाद मिलेगी, और उसके बाद आपको करना है क्या है, यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है दोनों साइड से। तो यहाँ पर अभी हम लगाएंगे बेल्ट इसकी, जो हमने बाजू कट करी थी ना उसमें से। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पर 2.5 इंची इधर से और 2.5 इंची उधर से, क्योंकि ये पूरा 10 इंची है, इसका मिडिल पार्ट हो गया 5, तो 5 का आधा हो गया 2.5। तो यहाँ से मैं दोनों तरफ से 2.5 इंची एक मार्क लगा लूँगी, ताकि इस पर अटैच कर सकूँ मैं बेल्ट। तो यहाँ से दोनों साइड दोनों तरफ मैं ऐसे ही कर लूँगी, 2.5 इंची के दोनों तरफ से मार्क लगा लूँगी। अब बस आपके जो बाजू है ना, अब आपका वो बाजू वाला एक पीस ले लेना है। अब इसको ना आपको खोल देनी है बाजू को। तो यहाँ पे मैं अब कट कर दे रही हूँ साइड से, जहाँ से जॉइंट होता है ना बाजू में, वहाँ से मैं इसको कट कर दे रही हूँ। और कट करने के बाद आपकी जितनी लंबी बाजू हो उतनी लंबाई ले सकते हो यहाँ पे। तो मेरी जितनी लंबी है ना, मैं उतनी लंबी निकाल लूँगी। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ से भी ये वाला पार्ट निकाल लूँगी। तो यहाँ पे बस अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, 22 मिला है मुझे। अब मैं इसको क्या करूँगी, पहले तो मैं ना इसको जो गोलाई वाला पार्ट है ना वो निकाल दूँगी, इसको गोल में से सीधे कर लूँगी। बाजू को भी मैं सीधा कर लूँगी, क्योंकि हमें सीधी पट्टी चाहिए इसकी। तो यहाँ से अभी मैं इतना काट करने के बाद, उसके बाद जो इसमें साइड से भी ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, इसको भी मैं सीधा कर लूँगी यहाँ से कटिंग करके। तो हमें यहाँ इसमें से एक बाजू में से दो पट्टी हमारी आराम से निकल जाएंगी। तो अभी आपको ना इसमें से 4 इंची की पट्टी लेनी है, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपको कितनी लंबी इसकी बेल्ट रखनी है। तो यहाँ पे जितनी लंबी बाजू है ना बची हुई, मैं उतनी ही लंबाई इसकी ले लूँगी, और 4 इंची चौड़ी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, दो पट्टी कट कर लूँगी इसी साइज़।
तो यहाँ पर हमें इस तरह से दो पट्टियाँ मिल चुकी हैं। अब हमें इसको हाफ फोल्ड करके और फिर ऐसे फोल्ड कर देनी है, तो हमारी एक बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने दोनों बेल्ट सिल ली हैं। अब हमने जहाँ निशान लगाए थे ना, तो वहाँ पे दोनों साइड पे बेल्ट रख के आपको ऐसे सिलाई मार देनी है। उससे पहले आपको बटन को खोल लेना है, खोल के शर्ट को फैला लेना है। उसके बाद आपको ये बेल्ट अटैच करनी है इसके में। तो मैं यहाँ पर अभी फिर आपको बेल्ट अटैच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब बेल्ट अटैच कर ली है, दोनों साइड में मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब अटैच करने के बाद अब आपको करना है क्या है, आपको ना दोनों जो बटन थे ना वो वापस से लगा देने हैं। बटन सारे बटन आपको लगा देने हैं। उसके बाद जो यहाँ पे बटन के दोनों साइड से जो बटन के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा है ना, उस दोनों साइड से आपको एक सिलाई मार देनी है। तो यहाँ पे नीचे से भी और ऊपर से भी आपको दोनों साइड से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है बटन के। तो यहाँ पर इस तरह से, और मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब आपको करना है क्या है, अब जहाँ से हमने कटिंग करी थी, बॉक्स बनाए थे, वहाँ से आपको जहाँ पे कट है ना, वहाँ पे इस तरह से आपको पकड़ के कोने पकड़ने हैं दोनों। और बस इस तरह से कोने पकड़ के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक आपको सिलाई लगा देनी है चारों तरफ। मतलब जो इस साइड के बॉक्स में भी, दोनों दूसरे साइड के बॉक्स में भी, इसी तरह बाकी के जो दोनों और कटिंग है ना, वहाँ पे भी आपको चारों तरफ से ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। तो बस, और ये सिलाई उल्टा करके लगाना है, आपको शर्ट को उल्टी कर लेना है, उसके बाद लगानी है। आप बटन खोल के अब आपको शर्ट जो है वो सीधी कर लीजिए, और आपका ये बैग तैयार है। अब इसमें आप ढेरों कपड़े रख सकते हैं, आपके जो फालतू के कपड़े पड़े हुए हैं वो रख सकते हैं, या फिर आप इसमें अपनी साड़ियाँ स्टोर करके रख सकते हो। देखो कितने बड़े साइज़ का है ये, और बहुत जल्दी बन जाता है, कुछ भी टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो यहाँ पे अभी मेरे पास जो फालतू के कपड़े पड़े थे ना, मैंने वो भर दिए हैं। उसके बाद भी इसमें काफ़ी स्पेस है, क्योंकि ये बड़े साइज़ की है इसीलिए, तो इसमें काफ़ी स्पेस है। तो देख सकते हो आप कितनी जल्दी बनके तैयार है। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है ना, तो आप हाथ से कर लीजिए, और इसमें चैन लगाने का भी झंझट नहीं है। तो बहुत जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है बैग, और आप देख सकते हो काफ़ी बड़े साइज़ का भी है। तो आप इसमें ढेरों कपड़े रख सकते हो, आप सीज़न के हिसाब से भी रख सकते हो, कि जो सीज़न आ गया है वो चला गया है, उसके कपड़े आप इसमें स्टोर करके रख दीजिए और बैग में डाल दीजिए, और आपके इधर उधर फैलेंगे भी नहीं, आराम से एक जगह रखे रहेंगे। तो देख सकते हो कितने सारे मैंने कपड़े इसके अंदर ठूस दिए हैं, और फिर भी इसमें काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। तो बहुत अच्छा एक रीयूज़ है शर्ट का। तो आप इस तरह से आप भी अपनी बेकार शर्ट का रीयूज़ कर सकते हो। आई रियली होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाएं, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।